इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम में 17 प्लेयर चुने गए हैं। टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हुई है। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह सीरीज के बाकी तीन मैच भी खेलेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें दो टेस्ट से आराम दिया जा सकता है। इंग्लैंड से ये आखिरी जो तीन टेस्ट हैं राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। कोहली ने बीसीसीआई को ये पहले ही बता दिया था कि वो अपना ब्रेक बढ़ाना चाहते हैं। ये पहली बार जब विराट अपने करियर में किसी होम टेस्ट सीरीज का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। बता दें श्रेयस अय्यर को पीठ मुड़ रहे दर्द की वजह से टीम से बाहर किया गया है। रविवार को टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम से होगा। टीम इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया था, जबकि दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। एक साल के अंदर तीसरी बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी टक्कर होने वाली है। पिछले साल जून में लंदन के दाओवल में हुए WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 209 रन से हराया था। 19 नवंबर को वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला गया था और उसमें भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब भारत की टीम के पास ऑस्ट्रेलिया से मिली दोनों हार का बदला लेने का मौका है। कप्तान उदय सहारण भी फैंस की इस हसरत को पूरा करने की तैयारी में जुटे होंगे। अगर टीम इंडिया जीतती है तो ये उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत की हैट्रिक होगी। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2012 और 2018 में फाइनल हराया था। तो तय करेंगे हिसाब बराबर और यही उम्मीद है भारतीय फैंस को। 2000 में श्रीलंका से 6 विकेट से भारतीय टीम ने जीत हासिल की और इसके साथ ही और कब कब मुकाबले खेले गए, क्या उनके नतीजे रहे, वो भी आपको बताएंगे। तो कंगारुओं को देखिए पटखनी देने की उम्मीद सब कर रहे हैं। 2008 में साउथ अफ्रीका से 12 रन से टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। तो देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत कब कब पहुंचा ये देखिए इसका हम डिटेल्स आपको दे रहे हैं। 2012 में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से मैच जीता था भारत ने। और इसके अलावा अगर बात करें देखिए एक एक साल जब जब हुआ है तमाम चीज़ें जो है अपडेट आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं।